इस कृषि बिल को लेकर सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को मेरा यही संदेश है कि देखो, मैं भी किसान परिवार से हूँ, अगर मुझे जो किसान हमारे भाई चाहते हैं ये बिल वापस लिया जाए, तो सरकार को वापस लेना चाहिए। जब इनकी अगर ये नाराज़गी है कि हमें ये कानून पास नहीं होना, ये काला कानून है, तो सरकार को वापस लेना चाहिए। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ हैं एक शख्स जो दिल्ली और NCR के अंदर महिला और विकलांग कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कंपाउंडर हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी हो, कहीं भी दिल्ली NCR के एरिया में अगर उनकी बाइक या स्कूटी कुछ भी ख़राब होती है तो वो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस करते हैं पूरे दिल्ली NCR में। आज किसान आंदोलन गाजीपुर में आए हैं, तो आज हम आप सबको उनसे रूबरू कराएंगे, आपको बताते हैं, उनसे मिलवाते हैं और खुद वो अपना नाम, अपना परिचय बताएंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अलीम है। हलीम भाई कहाँ से हो? अलीम या हलीम? अलीम। अलीम भाई जी। ओके, क्योंकि हलीम एक मतलब डिश होती है, तो मैंने कहा कि ये कंफर्म कर दूं लोगों को कि हलीम ना समझ बैठे आप। जी मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं तो हलीम भाई, ये आप ये होता है किस तरह लोगों की सेवा और मदद करते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि रोड पर निकलते हुए अक्सर महिलाओं की और विकलांगों की जो स्कूटी और बाइक होती है वो ख़राब हो जाती है जी, तो वो धक्का नहीं लगा पाते और एकदम से कोई मदद भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए थोड़ा टैलेंट और टूल्स वगैरह चाहिए होते हैं जी। तो हमने क्या कर रखा है, करीब हम 10 सालों से ये सेवा दे रहे हैं कि 10 सालों से आप ये सेवा दे रहे हैं 10 सालों से कि कहीं भी पूरी दिल्ली NCR रोड पर किसी महिला या किसी विकलांग की गाड़ी जैसे ख़राब होती है और हमारे पास कॉल्स आती है, तो हम वहीं मौके पर जाके ठीक करते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेते। कोई चार्ज नहीं लेते? नहीं सर। अब तक सबसे पहले आप अपना नंबर हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को शेयर कर दें कि कोई महिला या कोई विकलांग अगर कहीं फंस जाता है तो एटलीस्ट वो आपको कांटेक्ट कर सके। जी मेरा नंबर है 9891867780, 9891867780। इस नंबर पर आप कॉल करते हैं, हमारी सेवाओं का, सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में हमने दो दो लोगों की टीम बनाई थी, उसके बाद में इसमें जैसे डॉक्टर्स हुए, पुलिस अधिकारी, जो कोरोना योद्धा जो काम कर रहे थे हमारे देश के लिए, उन लोगों के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी थी पूरी दिल्ली NCR। तो सर उसके लिए आपने, आपको परमिशन भी लेने की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि कोरोना काल में लोगों की एंट्री बैन हो गई थी, कहीं भी जाना, तो इससे भी आपको बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी, कभी मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा, तो कैसे मैनेज किया? एक्चुअली हम DCP साहब के पास गए थे, हमने उन्हें बताया था कि हम करीब 10 सालों से और महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए काम करते हैं और इस तरीके की हम सेवाएं देते हैं, तो उन्होंने फिर हमें पास बना के दिए थे। अच्छा, DCP का नाम बताएंगे? उनके जो है DCP हमारे सीलमपुर आए, उनके अच्छा, DCP सीलमपुर हाँ, उनके SO से मिले थे हम। अच्छा हाँ, तो उन्होंने पास बना के हमें दिए थे, उसके हाँ उन्होंने बताया था कि डिस्टेंस जो है उसका दूरी, सोशल डिस्टेंस पालन करते हुए दूरी बना के रखना, दो लोग से ज़्यादा आप चलोगे नहीं जी, और क्योंकि दो लोग इसलिए जाते हैं, 1% गाड़ी हम मौके पर पहुंचते हैं तो ठीक नहीं हो पाती वहाँ, तो उसको तो सेंटर लाना पड़ता है, खींच के लानी पड़ती है, तो हम कस्टमर को वहाँ छोड़ के उठा के लाते हैं, क्योंकि अगर इसलिए मैं करीब मैंने अब से करीब 10 साल पहले एक फ्लाईओवर पर एक दिव्यांग को देखा था, विकलांग व्यक्ति। अच्छा, ये आपकी शुरू की कहानी, जहाँ से आपकी शुरुआत हुई, जहाँ से आपको प्रेरणा मिली। जी 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 बताइए। मैं किसी काम से जा रहा था, तो मैंने देखा एक रोड पर एक विकलांग व्यक्ति फंसा हुआ था, साइड में व्हील्स लगे होते हैं गाड़ी में, आपने देखा होगा, तो वो काफ़ी मदद के लिए खड़ा हुआ था जी, इधर उधर मतलब काफ़ी टाइम से देख रहा था, तो मेरी नज़र पड़ी, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं धक्का नहीं लगा सकता और मैं काफ़ी टाइम से फंसा हुआ हूँ और मेरी गाड़ी, दिव्यांग थे, उनके पैरों में पोलियो था। ओके हाँ, तो मैंने उनकी मदद करी और उनके जो फेस पे मैंने खुशी देखी, तो जब से मेरे अंदर प्रेरणा जाग गई, तो फिर मैंने पूरा सेंटर वेंटर हमने बनाया और पूरा तरीके से सिस्टम और लड़के वगैरह और टूल्स किट वगैरह लेकर, आपके बात ने बिल्कुल बालों को खड़ा कर दिया और पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए जिस तरह का आप ये काम कर रहे हैं, और जैसे महिलाओं के बहुत लिए ये प्रेरणादायक है और बहुत ही लोग इससे सीख सकते हैं चाहे तो। और जैसे कि महिलाओं के लिए आपने देखा हो कहीं रोड पर फंस जाती हैं, तो काफ़ी उन्हें मैकेनिक की दुकान आसपास नहीं होती, तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो जैसी कॉल आती है हम वहीं मौके पर ठीक कर देते हैं जाके। अगर उसमें कोई पार्ट्स या कुछ और कोई दिक्कत होती है तो मतलब सर्विस चार्ज आपका पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट, सर्विस चार्ज कोई नहीं लेते नहीं। और अगर कोई टूल्स या कोई पार्ट्स जलता हाँ, है तो पार्ट वगैरह बोल देते हैं, हम पार्ट डलेगा या तो आप ला के दे दो, ना तो फिर अगर वो कहते हैं तो उसमें भी हम डिस्काउंट वगैरह करवा देते। अच्छा, मतलब बिना किसी प्रॉफिट के आप उस पार्ट को भी महिलाओं के और विकलांगों के चेंज कर देते हैं। तो इस कोरोना काल के अंदर आपने लगभग कितने लोगों की मतलब सेवा की होगी? इसमें 200 से 300 कोरोना योद्धाओं की मैंने हेल्प की थी। अच्छा, 200 से 300 कोरोना योद्धाओं की, मतलब विकलांग और महिलाओं के अलावा आपने? हाँ, विकलांग महिलाओं से अलावा जो डॉक्टर से, जैसे पुलिस अधिकारी थे, समाज से भी, मीडिया कर्मचारी और सफाई कर्मचारी, इन लोगों की मदद की थी कोरोना इसमें लॉकडाउन के अंदर।
कोरोना के अंदर आपने लोगों की सेवा की, कोरोना के अंदर आपकी आपने लोगों की मदद की, आपको डर नहीं लगा कि कोरोना हो जाएगा? शुरू से एक ऐसा जज्बा था अपने अंदर कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ करूं और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए कि करूं। और उसके बाद में फिर मैं जो लॉकडाउन में देखा मैंने माहौल वहाँ पर, तो एक हुआ क्या था, मैं गांव चला गया था जी। थोड़ा उसके बाद मेरे पास एक डॉक्टर मेरे कस्टमर थे, उनकी कॉल आई कि मैं सेंटर सब बंद है, गाड़ी बंद हो गई और मुझे इमरजेंसी पहुंचना। फिर मैंने गांव से बाइक उठा के फिर मैं दिल्ली आया, फिर DCP साहब से मिले, उनसे पास वास बनवाए, जाके बनवाने के बाद फिर हमने ये सर्व सेवाएँ दी। आपने मुझे आज तक चैनल और दैनिक जागरण भास्कर कई चैनलों पर देखा होगा, उसमें भी चला था। आज आपने ये कैसे सोचा कि हमें गाजीपुर बॉर्डर चल के किसानों को सपोर्ट करना चाहिए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? एक्चुअली मेरे जो हरिंदर भाई हैं हमारे, ये विकलांग हैं जी, और इन्होंने इनके लिए मैं कॉल आई कि ऐसे ऐसे थोड़ा सा आप, इनके कोई मित्र थे, उनकी कोई गाड़ी में प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। अच्छा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत ना आता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ देखा काफ़ी मीडिया का, तो मेरा ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मैं चाहता हूँ कि हमारी सेवाओं का, सुविधाओं को लोगों को फ़ायदा मिला है। तो जहाँ भी हाँ कहीं कोई इवेंट या कोई कार्यक्रम या कोई प्रोटेस्ट होता है तो हम नंबर छोड़ देते हैं अपना, ताकि हमारी जो सेवाओं का लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आप बाकी पूरी दिल्ली NCR में, पूरी दिल्ली NCR के दिव्यांग जुड़े हुए हैं, और जिस टाइम फ़ोन आता है हम उस टाइम मौके पर पहुँचते हैं उनके लिए, उनकी मदद करते हैं। सरकार को क्या संदेश है आपका? सरकार के लिए संदेश है, दिल्ली सरकार के लिए हमने यही था कि दिल्ली काफ़ी बड़ी है और मैं एक खुद के जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना कर रहा हूँ जितना भी, और सरकार से ये कहा था कि थोड़ा सा सरकार अगर हेल्प करे तो हम और भी जगह सेंटर लगा सकते हैं। मतलब पूरी दिल्ली और NCR के अंदर आप अपने सेंटर्स बनाना चाहते हैं जहाँ से कि लोगों को और ज़्यादा मदद मिल सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी जैसे कई बड़े चैनल पर भी चला हूँ मैं आज तक, और कई भी उसमें भी सरकार का कोई अभी तक कोई ट्वीट भी नहीं आया, सरकार ने कोई हेल्प तो दूर की बात लेकिन ट्वीट भी नहीं करा कभी। अच्छा, अभी कोई ट्वीट नहीं किया, मतलब ट्वीट से ज़्यादा आपको मदद की ज़रूरत है ना, कि जिससे आप अपने मतलब कार्य को और ज़्यादा विस्तृत कर सकें और ज़्यादा लोगों तक अपनी सेवा को। मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों की कॉल्स आती है जो रोड पर फंसे होते हैं और जिनके पास 90 मॉडल 95 मॉडल 2002 मॉडल स्कूटियाँ, फ़ोन करते हैं भाई हम बाहर जा रहे हैं, आप कहीं दूर तो नहीं हैं? हम कहते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कॉल आए हम बैठा हूँ। इस किसान कानून बिल को लेकर, इस कृषि बिल को लेकर सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को मेरा यही संदेश है कि देखो मैं भी किसान परिवार से हूँ, अगर मुझे जो किसान हमारे भाई चाहते हैं ये बिल वापस लिया जाए तो सरकार को वापस लेना चाहिए। जब इनकी अगर ये नाराज़गी है कि हमें ये कानून पास नहीं होना, ये काला कानून है, तो सरकार को वापस लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि देखा, ये थे हमारे साथ अलीम भाई जो दिल्ली के रहने वाले हैं, पूर्वी दिल्ली के। ये पूरे दिल्ली और NCR में जो भी विकलांग महिलाएं, विकलांग हैं चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, और ऐसे भी महिलाएं और जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, कोई भी अगर इमरजेंसी पे इनके नंबर पे, जैसा कि नंबर आपके TV स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो ये जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचेंगे और आपकी मदद कर पाएंगे। आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज़। नमस्कार।